सो है गाइस, आप लोग आ चुके हैं हमारे एक नए और फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऑटोमेटिक डाई फार्म बना सकते हो और आप अनलिमिटेड डाई बना सकते हो। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट करके जरूर से बताना। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आप लोगों को ऑटोमेटिक डाई फार्म बनाने के लिए कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आपको यहाँ पर 8 लेयर डिग कर रहे हैं स्ट्रेट, एंड ये हमारा 3 हो गया, 4 एंड 5 एंड ये 6 ब्लॉक लग गया, सॉरी ये 6, एंड हम दो ब्लॉक डिग इधर के साइड कर देते हैं, उधर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड अब हमको सेम यही प्रोसेस चारों तरफ कर देना है, एंड इतना हो जाने के बाद ये हमारा चारों तरफ कुछ स्टेप्स हो गया। एंड हमको यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमने डिग किया था वहाँ वहाँ पर आपको आपका फेवरेट ब्लॉक लगा देना है। तो फाइनली हमारा ये ब्लॉक लग चुका है, एंड आपको कुछ इस टाइप से लुक देखने को मिल जाएगा। एंड आपको इसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 6x2 का बेस डिग कर लेना है, एंड ये आपको दोनों तरफ करना है ना। सो गाइस, फाइनली कुछ इस टाइप से लुक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो करना है वो है यहाँ पर आपको एक लेयर डर्ट ब्लॉक यहाँ से हटा देने, क्योंकि अगर हम स्टिकी पिस्टन लगाएंगे तो वो पुश करने में उसको प्रॉब्लम ना हो। एंड पीछे वाले ब्लॉक को अपना कोई भी सा फेवरेट ब्लॉक लगा देना दोनों साइड में कुछ इस टाइप से। एंड इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टिकी पिस्टन लगा देना है कुछ इस टाइप से, जिसका फेस इस तरफ होना चाहिए, और ये आपको दोनों तरफ करना है, एंड इसका फेस इस तरफ होना। एंड इतना सब हो जाने के बाद आपको इसके सेंटर वाले दो ब्लॉक को डिक कर देना है, ये सॉरी ये पिस्टन लग गया हाँ कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पर आपको लगा देना डिस्पेंसर, एंड उसको ऊपर वाले ब्लॉक को फिर से ग्रास ब्लॉक से कवर कर देना है। एंड उसके जस्ट स्ट्रेट आके सेंटर वाले ब्लॉक के नीचे आपको कुछ इस टाइप से डिक करते जाना है, और हमको डिक करके यहाँ पर ऑब्जर्वर के पास जाना है। तो ऑब्जर्वर जैसे ही आपको मिल जाए, हमको यहाँ पर मिल गया, एंड ये आपको इधर की तरफ पॉटी कर देना है कि हम अपना नेक्स्ट आगे का प्रोसेस कर पाए। और यहाँ पर आपको ऑब्जर्वर को कुछ इस टाइप से फेस करके लगा देना, ये गलत लग गया, ये भी नहीं, इसको पीछे के साइड आके लगाना, हाँ अब ये सही है। एंड ये एक और ऑब्जर्वर लगाना है जिसको हमको कुछ उसका फेस नीचे की साइड कर देना है, एंड अगर उसका फेस ऊपर की साइड रहना चाहिए आपको नीचे जाकर लगाना और इसको फिर से फिल कर देना है। एंड ऑब्जर्व डिस्पेंसर के नीचे वाले ब्लॉक में आप कोई भी सा ब्लॉक लगा सकते हो, और डिस्पेंसर से हॉपर कनेक्ट कर देना है, और इसको आपको ऊपर की साइड ले आना है। एंड ऊपर में भी आपको हॉपर कनेक्ट करके यहाँ पर आपको क्राउच होकर चेस्ट लगा देना है। एंड उतना सब हो जाने के बाद हमारा काम 80% या 50% कंप्लीट हो गया बोल सकते हैं। एंड हमको यहाँ पर अब रेस्टोन लगाना है पिस्टन के पीछे वाले ब्लॉक में कुछ इस टाइप से, एंड यही सेम प्रोसेस आपको इसके सामने वाले अपोजिट साइड पर भी कर देना है। और ये हो जाने के बाद हमारा ऊँची इस टाइप से लुक आएगा। एंड यहाँ पर हमको फिर से एक बार ऑब्जर्वर लगा देना है और इसको एक दूसरे से अटैच कर देना है, ये देखो उधर का साइड यूज हो रहा है, एंड इधर रेस्टोन लगाते ये भी काम करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये देखो। और हमको यहाँ पर इसको हमेशा के लिए ऑन नहीं रखना है, इसलिए हम अपने मर्जी से ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक और रेस्टोन और इधर से भी एक और रेस्टोन लगा देते हैं, ये गलत लग गया। एंड इधर हमको एक लीवर प्लेस कर देना है, और ये लीवर देखो अब इसको हम ऊपर किए तो ये ऑफ हो गया, एंड इसको जैसे ही हम नीचे करते हैं ये ऑन हो गया। तो इतना काम हो जाने के बाद अब हमको इस एरिया को यहाँ पर कुछ फैंस लगा देता हूँ मैं, ताकि कोई भी मॉब अंदर ना आ पाए, ताकि वो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर हमको। अब हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से चारों तरफ फैंस लगा देते हैं, और फैंस लगाने के बाद हमको एक मिनट में भूल गया, हाँ फैंस को आपको कुछ इस टाइप से चारों तरफ कवर कर देना है। एंड यहाँ पर हमको अपने चेस्ट में बोन मिल डालना है, तो ये देखो कितना फास्ट ये जाना शुरू हो गया है, और हम थोड़ा देर रुक जाते हैं हॉपर में इसको जाने के देने के लिए, और अब आई थिंक अभी तक चले गया होगा। तो अब हम जाके अपना मतलब कि ऑटोमेटिक डाई फार्म चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखते हैं लीवर को ऑन करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक डाई फार्म स्टार्ट हो चुका है, और ये ऑटोमेटिक डाई फार्म ही नहीं, ये एक टाइप से ऑटोमेटिक सीड फार्म भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर फ्लावर से ज़्यादा तो सीड्स मिल चुके हैं। तो
अगर आप बोलो कि भाई तो हमें तो अनलिमिटेड बोन मील बनाना भी सिखा दो, तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ भाई साहब एक स्टेप, चले भी गया। ऑटोमेटिक बोन मील बनाने के लिए आपको कंपरेटर का जरूरत पड़ेगा और उसमें आप डर्ट को डाल के अनलिमिटेड बोन मील बना सकते हो कुछ इस टाइप से, और आपको डर्ट की कमी तो कहीं मिलने भी नहीं वाली और आपको कंपरेटर तो कुछ इजी से बन जाता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ झंझट नहीं लगेगा, आप बना सकते हो। और अगर आप बोलोगे कि मैं अनलिमिटेड डर्ट फार्म भी बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको लोगों के लिए बना के ले आऊँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या ही बोलो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना, और क्या और बोल के मैं आप लोगों को पका डाला हूँ। तो मिलते हैं किसी नए और फ्रेश वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए गुड बाय।